तुकीर भाई और फ्यास, ये ड्रीम लैंड है, ठीक है। बटर के मुकाम पे जाके आपको एक जगह चेक करवाएंगे। जा रहे नीचे कौड़ी के लिए, बात के लिए बना रहे 200 मेगावाट। बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी, आप सब कमेंट करते हैं, सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे, रस्ते मुस्कुराते ही रहना है जी। आज यहाँ पे बहुत मैक्सी मौसम है और टाइम हो गया है 10, और ये सामने आप देखें यहाँ पे पूरा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पूरा दिन जो है मौसम सुमैक्सी होगा, क्योंकि बादल आए हुए हैं पहाड़ों पे और आस्ता आस्ता आ रहे हैं हमारी तरफ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, और मैं मुँह धो के फिर आपसे मुलाकात करते हैं नाश्ता वगैरह करके। तो यार मैं मुँह धो के फाइनल हो गया हूँ, तमूर भाई अभी तक सोए हुए हैं और तकीर भाई भी सोए हुए हैं। मैं तकीर भाई को जाके उठाऊँ, फिर मैंने उनके साथ नाश्ता करना है, वो भी अभी तक सोए हुए हैं। आज उन्होंने कुंडी भी लगाई हुई है कमरे को, मैं जाकर उनको जगाता हूँ पहले। तो ब्रदर्स ब्रदर्स, पता नहीं अंदर है भी या नहीं, कहीं घूमना हो गया हूँ। ये देखे, ये अभी घोड़े छोड़े बेच के आज सोए हुए हैं, जा रहे हैं, आगे नहीं हैं, जा रहे हैं। और मेरे साथ है तुकीर भाई और फ्यास, ये आज इनको मैं पैदल लेकर आया हूँ, क्योंकि तुकीर भाई मोटू हो गए हैं, इनको पतलू करना है। और जो पतलू हैं फ्यास शेख, वो उस दिन गिरे थे, मैंने पता नहीं आपको बताया था या नहीं, तो उनको थोड़ी चोट लगी है, ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको भी पैदल वॉक कराई जाए, क्योंकि इनका खून भी रवा दवा हो जाए तो फिट हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ से फिर आपको चेक करवाते हैं कोहड़ी का व्यू। मौसम जो आज है बड़ा ही सुमैक्सी सा है, मैंने भी कुछ नहीं पहना हुआ, कपड़े पहने हुए हैं, तकीर भाई ने भी कपड़े पहने हुए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों पे कैसे मज़ेदार जो हैं बादल आए हुए हैं। जो बर्फ़ वाले ऊंचे पहाड़ हैं ना, जिन पर बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे ना बहुत गहरे बादल आए हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं। और जहाँ ये नीचे हैं हम, तो इधर तो धूप ही है सुमैक्सी वाली। जी हम घर आ गए हैं, और अभी मैं बनाने लगा था एक चीज़, तो मैंने कहा पहले आपको उसके बारे में बता दूं, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल में उसके बारे में, उस अपनी सोशल मीडिया के जो मेरे जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं उन सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इस व्लॉग से नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं क्या नाम है आपको बताऊँगा सोशल मीडिया के जो मेरी सिस्टम है सारा, कौन हैंडल करता है, किस तरह होता है, क्या हिसाब है, कहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कहाँ मैं रील्स अपलोड करता हूँ, कहाँ मैं शॉर्ट वीडियो करता हूँ, क्या करता हूँ, जो कुछ करता हूँ वो सब आपको बताऊँगा, अपने सब रियल अकाउंट जो है वो आपको बताऊँगा। तो आपने जल्दी जल्दी से उनको फॉलो कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, जो भी करना हो कर देना है, ताकि आप मेरी ज़िंदगी से जो है बहुत चिमट के बैठे रहें, समझो ऐसे समझो चिमट के आप बैठे रहेंगे। हाँ जी वह तीनों रात इस टाइम हाई हम आए हुए हैं नीलम दराय, नीलम के किनारे पे साहिल पे आए हुए हैं, यहाँ पर बैठेंगे। वो सामने वो छलपानी वाला होटल है जहाँ पर हम चाय पीते थे, और हम आज आए हैं ड्रीम लैंड के पास, ड्रीम लैंड के पास यहाँ पे आए हैं ज़रा धूप छुप लगाने के लिए, क्योंकि आज धूप बहुत कड़क मज़ेदार है। अभी थोड़ा सा दरिया के पास भी जाएंगे, दरिया जो है बहुत मज़े का है, चढ़ा चढ़ा हुआ है और बहुत ठंडा पानी होगा, थोड़ी देर तक दरिया के पास जाएंगे, वीडियो शीडियो बनाएंगे, स्लो मोशनो बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे वापस घर। जो 2022 में फ्लड आया था ना, तो ये तो दरिया है, ठीक है, ये कठा है, इसको कठा बोलते हैं हिंदों में, कठा या आप क्या बोल रहे हैं, कठा ही बोल रहे हैं, यही ठीक है। चले चल फिर। एक ऊंचा लंबा कुत्ता साडी गली विच सुता है, सारी रात भौ भौ करदा नी, ठीक है समझ गया, एक गवांडियां दी कुत्ती उते मरदा नी। माशाल्लाह दोनों जोड़े हैं, जोड़ी है, हाँ जोड़ी है, जोड़ी है। तो कठा है क्या, इसका मैं थोड़ा आपको इसका भी डिटेल बताता हूँ। ये देखें, ये ड्रीम लैंड है, ठीक है, 2022 में जो सैलाब आया था, फ्लड आया था, सैलाब आया था, तो ये कठा इतना चढ़ गया था, इसका इतना बहाव तेज़ हो गया था, ये सारा एरिया जो है ना ये बहा के ले गया था, हालांकि ये दरिया नहीं है, कठा है, ठीक है, ये कठा बहुत ज़्यादा पीछे से आ रहा है। तो उस टाइम जो है ये सारी जगह, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सारी जगह बहा के ये ले गया था दरिया में,
फिर उसके बाद इसका काम स्टार्ट हुआ है। अभी भी पता नहीं ये कंप्लीट शायद ना हुआ, थोड़ा बहुत काम रहता ही होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना ये ठीक हो गया, बेहतर हो गया है। इसलिए मैं मौजूद हैं दरिया के साहिल पे। इसका यहाँ से ना प्रेशर काफ़ी तेज़ है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं ना, पत्थरों से इस तरह जाता जाता ना काफ़ी जो है स्पीड से पानी जा रहा है। ये आप चेक करें, काफ़ी ज़्यादा इसका शोर भी है, और यहाँ से ना बड़े मज़े का स्मैक्सी सा जो है ना एक मंजर नज़र आ रहा है। चेक करें आप, वहाँ से आगे से स्लो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से ना काफ़ी फास्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि पत्थरों से ऊपर आता है ना, जब पानी नीचे गिरता है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे बड़े मज़े का है। ये जम्मू कश्मीर से आता है, नीलम से होके यहाँ पे आता है, क्योंकि इंटर नीलम से होता है, इसलिए इसको दरिया नीलम कहा जाता है। ये देखें आप, मैं इसके अंदर इंटर होने लगा हूँ। दरिया नीलम की सारी बर्फ जो है, दरिया नीलम की सारी बर्फ दरिया में पिघली हुई है, इसलिए पानी जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी। मैं थोड़ा सा आगे रहता हूँ, कैमरा पकड़ाता हूँ कैमरा मैन तुकीर साहब को, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से देखे ना डूंगा नहीं है, पेतला पेतला पानी है, पेतला हम कह सकते हैं ना, पेतला पेतला पानी। यहाँ पे तुकीर भाई वो चीज़ बना रहे हैं जो कोई कोई बना सकता है, हर कोई नहीं बना सकता, इनका ये कहना है। देखते हैं ये क्या बनाते हैं। आखिरकार तुकीर भाई ने एक स्मैक्सी सी चीज तैयार कर दी है, इसका क्रेडिट जाता है तुकीर भाई को। ये देखें इन्होंने कैसे पत्थरों पे पत्थर रख के ना एक स्मैक्सी सी चीज बनाई है, वाओ, जो एक बहुत ही स्मैक्सी व्यू दे रही है। अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं घर की तरफ। हमने यहाँ पे थोड़ी पिक्चरें वीडियो शीडियो बनाई, स्मैक्सी मॉल बनाया, और पता नहीं मैंने YouTube के लिए व्यू वीडियो बनाई है यानी बनाई, रील्स के लिए तो बनाई है। अच्छा चले आप रील्स ही देख लेना। ये जो चश्मे इसमें शामिल होते हैं ना, इस वजह से काफ़ी ठंडा है, क्योंकि चश्मे जितने भी हैं ना वो सारे बर्फ़ पिघल के आती है, वो वाले चश्मे हैं, तो इस वजह से ये दरिया नीलम को काफ़ी ठंडा बना देते हैं। बटल के मुकाम पे पहुँच जाए या नहीं पहुँचे? अब हम जा रहे हैं बटल के मुकाम पे, तो अभी हम नहीं पहुँचे, हम रास्ते में, मैं हूँ, ये तुकीर भाई हैं, ये पीछे फ्याज शेख हैं, आज हम तीनों ही हैं, वेले वादे हैं, इसलिए कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। बटल के मुकाम पे जाके आपको एक जगह चेक करवाएँगे, पावर प्रोजेक्ट आपको एक जगह चेक करवाएँगे, थोड़ी बहुत आपको डिटेल बताएँगे। इस टाइम जो मेरा बाइक है ना फुल टेढ़ा हो गया है। यहाँ से आगे आपको ना बटल की जो बर्फ है, बटल है कौन सी है, कौन सी शाश और एक और भी है ना बटल डंडोरा, बटल डंडोरा एक और भी चोटी है ना यार, वो मकड़ा। ये आप सामने देख सकते हैं, ये विशाश है नहीं जी, विशाश है वो सामने ऊपर मकड़ा है, ये जो ऊपर है ना मकड़ा है, ये वाला मकड़ा है। अभी हम एंटर हो गए हैं जी विशाश इंटर हो गए, बटल किधर गया फिर? बटल आ गया। अच्छा बटल आ गया और हम अभी विशाश में इंटर हो गए हैं। विशाश के वो सामने मुझे एक बहुत ही स्मैक्सी व्यू नज़र आया, आगे हम जाएंगे तो आपको वो व्यू चेक करवाएंगे। ठीक है विशाश, जब 2022 में फ्लड आया था ना, उस वजह से सारा पत्थर जो है ना वो ढलान वाली जगह ना वो सारी खत्म हो गई। किस करिए तकीर भाई पैप ये पानी लेके जा रहे हैं नीचे कौड़ी के लिए, पीने वाला पानी नहीं नहीं पानी, ये फसलों के लिए लेके जा रहे हैं, फसलों के लिए, सब्जियों के लिए। अच्छा ये सब्जियों के लिए ये पाइप साथ में पड़ रहे हैं, ये सारी पाइप लाइन बांध के जाएगी कौड़ी, और कौड़ी जो है सब्जियों के लिए, ये यहाँ से कहाँ से लेके आ रहे हैं तकरीबन? कुछ नाले में से ये नाले का पानी है ये लेके जाएंगे कोड़ी, और वहाँ से लोगों की फसलें हैं तो सब्जी वगैरह उन्होंने लगाई है, तो ये उसके लिए यहाँ से उधर पानी लेके जाना है। ये काफ़ी अच्छा निज़ाम है जो कि इस्लामाबाद में नहीं पाया जाता। यहाँ पहुँचे हैं जी बटल के मुकाम पे, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाली जगह काफ़ी खूबसूरत है बटल की, स्टेप बाई स्टेप जो है वो खेत बने हुए हैं, बड़े मज़े का नज़ारा पेश करते हैं। और यहाँ से जो है अभी बटल स्टार्ट हो गया, हम बटल से जाएंगे ऊपर थोड़ा
डोरा इंटर होने वाले हैं, बटर से क्रॉस हो गए हैं और यहाँ से बड़ी ऊपर से बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ठंड है और मेरा मेरे ख्याल में मेरा माइक जो है वो टूट गया है मुकम्मल तौर पे, पता नहीं चल रहा है या नहीं, ऊपर जाके इसकी टेस्टिंग करेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। डोरा कशन बाजार में पहुँच जाए, ये पीछे मेरे देख सकते हैं आप छोटा सा ये बाजार है, ये देखें आप ये छोटा सा बाजार है यहाँ का। और फिर उसके बाद मैन बाज़ार आता है कोड़ी नहीं पुल पे, फिर उसके बाद मैन बाज़ार है टिक्का, और टिक्के के बाद जो टिक्के से भी अगर आपको कोई चीज़ ना मिले फिर आप शहर से जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बन रहा है पावर प्रोजेक्ट जो कि निकलेगा नीलम वाली से ऊपर जाए, ऊपर जो मैं आपको नीलम दरिया के पास दिखा रहा था ना वहाँ पर ये प्रोजेक्ट निकलेगा वो आगे बन रहा है। ये कहाँ तक ये कहाँ से बिजली जाएगी, किसको बिजली देंगे ये? इब्टाबाद के लिए बिजली बना रहे हैं 200 मेगावाट। ये इब्टाबाद के लिए बिजली बना रहे हैं 200 मेगावाट जो है यहाँ से बनेगा। वैसे अगर इस तरह पाकिस्तान काम करे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे तो हमें बिजली की ज़रा भी किल्लत ना होगी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के काफ़ी चश्मे हैं जिनसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बन सकते हैं और हमारा जो है बिजली का निज़ाम ठीक हो सकता है। लेकिन इनका ये नहीं आता, समझते हैं ना, ये भी आ जाए ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा, हमें मैं कहता हूँ बिजली की हमें कोई कमी ना हो, इतनी बिजली है पाकिस्तान में, लेकिन इनका ये नहीं है ना हम इतना क्या कर सकते। अब हम पहुँचे हैं जी उस डैम के पास जो छोटा सा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ से इब्टाबाद को 200 मेगावाट की जो है बिजली फ्राहम होगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक छोटे से नाले की मदद से इन्होंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। ऐसे ही दिमाग चलाते रहें तो पाकिस्तान को बिजली की किल्लत ज़रा भी नहीं होगी। ये देखें जी मेरे पीछे बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है और ये छोटे से नाले से आ रहा है। माइक टूट गया है मेरा, इसलिए थोड़ी सी आपको आवाज़ को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक नया ले आएंगे, लेकिन अभी मैनेज कर लें। ये देखो मैं एक चीज़ चेक करवाता हूँ, अगर मैं नीचे से थोड़ा आपको दिखाऊँ ना, बिल्कुल ये लेवल पर ऐसे बना हुआ, ऐसे लेवल पर देखे आपने बिल्कुल, ये चीज़ ना बिल्कुल लेवल पे बनी हुई है। हमारा बाइक यहाँ पे आके थक गया था क्योंकि दिस इज चढ़ाई डू मच लंबी है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। ये बहुत लंबी चढ़ाई है और 3 बंदे चढ़ नहीं सकते थे, इसका क्लच बक्सा भी स्लिप है। आज तक हम यहाँ तक ही हैं, आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये जो आपको दिखाया था कि कोड़ी के लिए ये पानी लेके जा रहे हैं फसलों के लिए, हम अभी उसका विज़िट करने यहाँ पे पीछे आए हुए हैं, उधर से नीचे आ गए थे और यहाँ से हम इसका किधर से लाएंगे, काफ़ी पीछे से यहाँ से जो है पानी को इस साइड से एंटर करते करते आगे लेके जाएंगे और आगे से जो है उन पाइपों में मिला देंगे और वो पाइप सीधे जाएँगे कोड़ी, और कोड़ी में जो है फसल बहुत अच्छी हो गएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट बार मैं जब आऊँगा। तो पहली बार जब मैं सर्दियों में गर्मियों में यहाँ पे आया था तो इस जगह पे भी मैं और तुकीब भाई ना आए थे, इस जगह पे एक लड़के की सोने की अंगूठी थी वो गुम हो गई थी लेकिन मिली नहीं। अभी तो काफ़ी साफ पानी है, नीचे सब कुछ नज़र आ रहा है, उस टाइम सब ना आ रहे थे ना तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसकी सोने की जो है अंगूठी यहाँ पर गुम हो गई थी, मिली नहीं उसको। तो यहाँ पर जो पत्थर पड़ा हुआ है ना ये भी बड़ा मज़ेदार पत्थर है, यहाँ से पानी आएगा, ये आप देखें यहाँ से पानी आएगा और वो जो आप सुराख देख रहे हैं नीचे के वाला, इस सुराख से जो है होता हुआ पाइपों में शामिल हो जाएगा, फिर पाइपों से होता हुआ सीधा कोड़ी पहुँच जाएगा। यार इधर शुभाष भाई ने छोड़ डाला हुआ था, कार से कार कर रहे थे, कार से कार उन्होंने कहीं जाना है, बिल्कुल ये रेडी होकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ जी सुराज के तो चलो। हाँ जी आपने क्या जर्सी बनाया थी, किधर जाना है आपने? आप ये जा रहे हैं कहीं काम और हम जा रहे हैं कार, मान लीजिए हम घर आ गए थे तो अभी टाइम हो गया 6 और मैं कर रहा हूँ काम, तो कीर भाई पता नहीं किधर गए हैं, मैं बाइक लेके घर आ गया था। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ही एंड, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और के साथ किसी और जगह, तब तक के लिए हमें दीजिए अल्लाह हाफिज़।